एवरीवन अ वेरी होम वेलकम टू स्किल शॉट। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 हम डिटेल्स में स्टडी तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम ऑनलाइन कैसे अपलोड करेंगे उसके बारे में ही सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो एकदम डिटेल वीडियो है, अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लॉग इन कर लेते हैं। सबसे पहले तो जीएसटी पोर्टल में हम आ चुके हैं। आने के बाद हमको सिंपली लॉग इन करना है। मैं लॉग इन कर रही हूँ, डिटेल्स डाल रही हूँ। कैप्चा डिटेल्स यहाँ पर मुझे प्रोवाइड करना है, तो मैं कैप्चा जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ और सिंपली लॉग इन कर रही हूँ। देखिए लॉग इन करने के बाद ये पेज आपके सामने आता है और देखिए अभी जनवरी का ड्यू डेट है 11 फरवरी। अभी ये रिटर्न फाइल करना बाकी है। तो चलिए सबसे पहले रिटर्न डैशबोर्ड में चलते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 सिलेक्ट करना है। क्वार्टर आपका क्या होगा, जैन टू मार्च, और पीरियड आपका होगा जनवरी। आपको सिंपली सर्च करना है। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। आप सोच होंगे मैम प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन में क्या अंतर है। देखिए ऑनलाइन का मतलब है आप मैन्युअली डेटा फीड करके फिर फाइल कर रहे हो, ऑफलाइन का मतलब पहले आप डेटा अपलोड कर रहे हो, उसके बाद आप जो है ऑनलाइन यूज करके फाइल करोगे, राइट। तो ये दोनों अंतर होता है। ऑनलाइन में खाली मैनुअल अपडेशन, मैनुअली डेटा आप लिख रहे हो, और ऑफलाइन में आप अपलोड कर रहे हो कोई भी सॉफ्टवेयर से जैसे टैली एक्सेट्रा। चलिए तो ड्यू डेट है 11 फरवरी। आप सोचोगे कि मैम ये ड्यू डेट में फाइल करना क्यों जरूरी है। अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप बता नहीं पाते कि ड्यू डेट पे आखिर फाइल करना क्यों जरूरी है। इसलिए फाइल करना जरूरी है क्योंकि सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिलता है अगर आप ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते तो सामने वाले को अगर आपको क्रेडिट देना है तो आपको ड्यू डेट पे फाइल करना बहुत ही जरूरी है। चलिए तो सबसे पहले प्रिपेयर ऑनलाइन में जाके मैं सारे टेबल्स को आपको स्टडी करा देती हूँ। अगर आपको निल जीएसटीआर 1 फाइल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए निल जीएसटीआर 1 मतलब आपको कोई भी डिटेल्स नहीं है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और B2B, B2C कुछ भी नहीं है। B2B का मतलब अगर मैं ऊपर बताऊं आपको तो रजिस्टर्ड पर्सन को आप जो भी सेल कर रहे हो, चाहे वो रेगुलर वाले हो या कॉम्पोजिट, ये B2B इनवॉइसेस में आता है। B2C लार्ज की अगर हम बात करें, अगर इनवॉइस वैल्यू आपका 2.5 लाख से ऊपर है और इंटर स्टेट है तो वो आएगा आपका B2C लार्ज में, ठीक है। एक्सपोर्ट या तो विद एलयूटी होता है क्या विदाउट एलयूटी होता है, आपको पता ही होगा। विद एलयूटी का मतलब क्या है कि आप गवर्नमेंट को आश्वासन दे रहे हो कि आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है एक्सपोर्ट का वो निभाओगे, तो आप आउटपुट पे टैक्स नहीं दे रहे हो और आपको आईटीसी का रिफंड मिल जाता है। विदाउट एलयूटी में आपको आउटपुट पे टैक्स देना पड़ता है और रिफंड क्लेम करना पड़ता है आउटपुट के टैक्स का। B2C अदर्स का मतलब क्या है, जो भी आप इंटरस्टेट, जितना भी इंट्रास्टेट मतलब स्टेट के अंदर जितना भी सेल कर रहे हो, कोई भी इनवॉइस वैल्यू का है, वो सब B2C अदर्स में जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे से 2.5 लाख से नीचे, ठीक है, जो इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से नीचे है तो वो B2C अदर्स में जाता है। निल रेटेड मतलब जैसे निल रेटेड में एग्जेम्प्टेड आता है जो नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, नॉन जीएसटी हो गया, जैसे आपका पेट्रोल ये सारा नॉन जीएसटी हो गया। और आपका निल रेटेड मतलब जिसका रेट डिफाइन नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर सपोर्ट सर्विस, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ जाती है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड, ठीक है। क्रेडिट नोट का तो हमें पता है कि जब भी सेल्स रिटर्न या वैल्यू में हमको कम करना है तो क्रेडिट नोट। व्हाट अबाउट डेबिट नोट, डेबिट नोट का मतलब क्या है। डेबिट नोट मतलब जब आपको सेल्स का वैल्यू इंक्रीज करना है, फॉर एग्जांपल आपको 110 रुपया चार्ज करना था, आपने 100 रुपया चार्ज किया, तो 10 रुपये आपको बढ़ाना है, दैट इज डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रजिस्टर। जो भी B2B इनवॉइसेस का डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अनरजिस्टर्ड, जो भी B2C लार्ज का क्रेडिट नोट, डेबिट नोट है यहाँ पर आएगा। एक मिनट में बैक कर देती हूँ। और जो भी एक्सपोर्ट का डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हो कि मैम B2C अदर्स फिर क्या, उसका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट कहाँ जाता है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो उसका जो सप्लाई है वो नेट दिखाया जाता है। जैसे 100 रुपए का सेल हो रहा है, 20 रुपए का क्रेडिट नोट है, तो 80 रुपया ही ये टेबल में रिफ्लेक्ट होगा। इसमें स्टेट वाइज डिटेल जाता है। कैसे डिटेल जाता है, स्टेट वाइज, ओके। और इसमें इनवॉइस वाइज आपको डिटेल्स, सॉरी इसमें इनवॉइस वाइज डिटेल्स आपको दिया जाता है, इसमें भी इनवॉइस वाइज, इसमें भी डेबिट नोट वाइज, और ये जो B2B है इसमें भी हमारा कैसे आता है, इनवॉइस वाइज डिटेल। ऑब्वियसली सामने वाले को अगर क्रेडिट चाहिए तो इनवॉइस वाइज डिटेल देना ही पड़ेगा। देखिए टैक्स लायबिलिटी, एडवांस रिसीप्ट, आपको पता है कि सर्विस के केस में अगर आपको कोई एडवांसेस मिलते हैं तो उसपे आपको पहले से टैक्स देना पड़ता है, इवन इफ आपने इनवॉइस जो है वो रेज नहीं किया है। तो ये जो एडवांस रिसीव है ये किसके टाइम है, जब आपको सर्विस के केस में कोई एडवांस रिसीव हो रहा है। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस का मतलब क्या है, सपोज कीजिए आपको एडवांस मिल चुका है, ओके, अब आप इनवॉइस रेज कर रहे हो तो आप वापस से तो टैक्स नहीं दोगे, तो उस एडवांसेस को आप एडजस्ट कर दोगे, प्लस आपको B2B या B2C में वो इनवॉइसेस दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो जो आपका मन है वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब जिसको आप सेल कर रहे हो, राइट। तो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस का मतलब कोई बिल आपका बन चुका है जिसका एडवांस पे आप GST ऑलरेडी पे कर चुके हैं। HSN वाइज क्या है, HSN में खाली HSN नहीं आता, SSC भी आता है। SSC है सर्विस अकाउंटिंग कोड, ठीक है, HSN है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नाम सुन के बहुत भारी भरकम लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपका 5 डिजिट जाएगा, 5 करोड़ या 5 करोड़ के नीचे है, सॉरी 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट, 5 करोड़ या 5 करोड़ से नीचे है तो 4 डिजिट। और एसएससी के केस में आपका कितना डिजिट जाता है, पूरा का पूरा 6 डिजिट, ओके। तो HSN होता है गुड्स के केस में, कोड होता है एक तरह का जो गुड्स को आइडेंटिफाई करता है, और एसएससी सर्विस को आइडेंटिफाई करता है। डॉक्यूमेंट इशू ड्यूरिंग द मंथ, आपने कितना डॉक्यूमेंट इशू किया है, कितना टैक्स इनवॉइस इशू किया है, कितना रिसीट पाउचर इशू किया, कितना डेबिट नोट, कितना क्रेडिट नोट, ये सारा डिटेल्स इसमें जाएगा। अब नया टेबल इसमें ऐड हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है सप्लाई मेड थ्रू इको। तो जो भी सप्लाई आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू किया है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 52 आपका TCS कलेक्ट करेगा, और सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 की भी बात यहाँ पर आती है। मतलब कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम फ्लिपकार्ट या अमेजन के थ्रू अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं, तो ये रिपोर्टिंग पर्पस के लिए 14 है, आपके 3B को ये इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप कोई सेल कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो बेसिकली आप यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेंगे, B2B या B2C अदर्स में जो पार्टी को आप सेल कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर भी आपको रिपोर्टिंग पर्पस के लिए रिफ्लेक्ट करना है कि आप Amazon फ्लिपकार्ट के थ्रू क्या सेल कर रहे हो। प्लस इसमें एक और मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 भी आ रहा है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल है पेमेंट के लिए तो आपको एज अ सप्लायर बताना पड़ेगा कि इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि अगर मैं बोलूं होटल के केस में हो गया जहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल हो गया, रेस्टोरेंट के केस में हो गया, तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा। ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 का केस है। और ये जो सप्लाई अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 है, डिटेल्स ऑफ सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स इज लाइबल टू पे टैक्स। कुछ चीजों में ई कॉमर्स ही लाइबल है टैक्स पेमेंट के लिए, राइट। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 आपको पढ़ना पड़ेगा जिसमें ई कॉमर्स इज लाइबल टू पे टैक्स, जैसे होटल हो गया, फिर आपका जैसे मेक माई ट्रिप होटल के केस में लाइबल हो जाता है, कारपेंटर के केस में जो अर्बन क्लैप है वो लाइबल हो जाता है, सेक्शन 9 सब सेक्शन रेस्टोरेंट वाला भी इसमें केस आता है। तो वो केस में ये जो टेबल 15 है उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये टेबल भरना है। किसको भरना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू फिल दिस टेबल। और ये जो है सप्लायर जो उसके थ्रू सप्लाई कर रहा है ही इज लाइबल टू फिल दिस टेबल, ठीक है। अमेंडमेंट का भी हम लोग डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे, ये सारा चीज आपको ऊपर क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए अब देखते हैं कि ऑफलाइन यूटिलिटी कैसे यूज करते हैं। तो हम लोग बैक करते हैं, रिटर्न में जाते हैं, वापस से जाते हैं। प्रिपेयर ऑफलाइन में जाएंगे तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको कैसे हम लोग ऑफलाइन यूटिलिटी को यूज करते हैं। तो सबसे पहले ऑफलाइन के थ्रू प्रिपेयर ऑफलाइन कैसे यूज करते हैं, तो हम लोगों को ये टैली का डेटा जो है आप देख सकते हैं, इसमें आपको जाना है DOG में। DOG में GSTR 1 में आप जाएंगे और Alt F2 करके आप 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 कर देंगे। तो ये 18 इनवॉइसेस B2B के हैं जो मेरे को अपलोड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको टैली में देखना है कोई भी अनसर्टेन ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। अनसर्टेन ट्रांजैक्शन कब हो सकता है, जब आपका GSTR नंबर गलत दिया गया है, इनवॉइस नंबर 16 डिजिट से एक्सीड कर रहा है, आपने मैनुअली डाला है टैक्स अमाउंट और टैक्स अमाउंट सही नहीं डाला है आपने, तो उस केस में आपका अनसर्टेन ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 18 इनवॉइसेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे हम रिटर्न फाइल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एचएसएन वाइज डिटेल 12 दिखा रहा है और डॉक्यूमेंट समरी भी दिखा रहा है। अगर आप अंदर जाके देखने जाए तो ये सारी डिटेल्स आपको दिखाई जा रही है। तो हम सबसे पहले जाएंगे एक्सपोर्ट में, जीएसटी रिटर्न्स में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि जनवरी का डिटेल्स हमको दिखा रहा है, हमको एक्सपोर्ट करना है। अब एक्सपोर्ट कहाँ करना है, देखो फाइल फॉर्मेट जो है वो JSON फाइल है। क्या है? JSON फाइल। फोल्डर पाथ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं एक बार फोल्डर पाथ आपको दिखा देती हूँ कि फोल्डर पाथ क्या रहना चाहिए। मैं एक बार ये फोल्डर पाथ कॉपी कर रही हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर में जाते हैं, पाथ में जाते हैं, एंटर करते हैं Ctrl+V से, फिर पाथ डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। मैंने बैकस्पेस करके अब इसको क्या किया, एक्सपोर्ट किया। तो देखिए ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये जो फाइल है, कौन सा फाइल क्रिएट हो गया, आप देखोगे JSON फाइल आपका क्रिएट हो गया। तो JSON फाइल को आपको ऑफलाइन के केस में अपलोड करना होता है, तो हम Ctrl+C कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन आता है। तो ये जो फाइल है इसको मैंने अपलोड कर दिया है। 15 मिनट लगता है ऐसा बोला जाता है, लेकिन आप रिफ्रेश करोगे तो आपका प्रोसेसिंग बता देगा, लेकिन आपको दिखेगा प्रोसेस विद एरर, जनरेट एरर रिपोर्ट, आपको एरर रिपोर्ट दिखा रहा है। तो हम लोग जनरेट कर लेते हैं एरर रिपोर्ट एक बार के लिए। जनरेशन में देखिए टाइम लगता है, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है एरर रिपोर्ट, मैं वापस से डाउनलोड कर लेती हूँ। देखो जब एरर आता है ना, तब आपको देखना होता है कि एरर आखिर आया क्या है, तो वो कैसे देखोगे, तो वो देखने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ता है ऑफलाइन टूल, रिटर्न ऑफलाइन टूल। क्या डाउनलोड करोगे आप लोग, रिटर्न ऑफलाइन टूल, ठीक है। ऑफलाइन टूल में रिटर्न ऑफलाइन टूल आपको डाउनलोड करना है। तो उस केस में अब हम लोग डाउनलोड करते हैं सबसे पहले एरर रिपोर्ट, जो मैंने आपको बोला था कि ऑलरेडी मेरा जनरेट हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पर जो है सेव कर देती हूँ, मेरा एरर रिपोर्ट तो मैं सेव कर रही हूँ। अब एरर रिपोर्ट को देखते कैसे कि कहाँ एरर आ रहा है, आपको तो पता नहीं है कि एरर कहाँ आ रहा है, तो आप कैसे देखोगे एरर कहाँ आ रहा है, उसका भी मैं एक तरीका आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो है मैंने जीएसटी रिटर्न टूल में ये जीएसटी ऑफलाइन टूल जो है वो इंस्टॉल किया है, तो इसको एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, जीएसटी ऑफलाइन टूल। ये स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन। ये जीएसटी ऑफलाइन टूल से आप देख सकते हैं कि एरर क्या है। तो यहाँ से देखिए ओपन डाउनलोडेड एरर फाइल, ओपन कर लेते हैं, लोकेशन दे देते हैं। यहाँ से ये वाला जो एरर फाइल है ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब डिटेल्स दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या टैक्स पेयर SEZ है, तो हम ऑब्वियसली नो करेंगे। इज एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़, नो। इसमें कुछ इशू आ रहा है, रुकिए। नो, मैंने नो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब प्रोसीड करते हैं और जो वार्निंग है कि कंफर्मेशन दे दीजिए, हम यस कर देते हैं। तो देखिए ये HSN में कुछ गड़बड़ बता रहा है। HSN में जाते हैं, ये गड़बड़ क्या बता रहा है अगर आप देखोगे तो UQC दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस केस में मेरे UQC है ही नहीं, सिंस ये एक सर्विस इंडस्ट्री है तो UQC तो होगा नहीं। तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं और UQC को क्या कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर एडिट करके आप क्या कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अब ये आपको बोलने लगेगा, आपका जब एक ही SSC कोड है और आपका UQC भी एक है, तो आप अलग अलग क्यों इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हो। देखो मेरा SSC भी एक है और मेरा UQC भी एक है, तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन क्यों फीड कर रहे हो। तो हम बोलेंगे ठीक है, इसका एक्शन हम लोगों को लेना पड़ेगा। एक आपको डिलीट करना होगा, जैसे सपोज कीजिए मैं ये डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर जाके HSN में जाके, यहाँ दो ही सर्विस आ रहा है, ठीक है, यूक्यूसी इसमें नॉट एप्लीकेबल होगा, गलती से मीटर दिखाया गया। आपको इसका टोटल देखना पड़ेगा क्या है। तो टोटल हमारा कितना आ रहा है इन दोनों सर्विस का, वो हमको ऐड करके दिखाना पड़ेगा। मैं एक बार एक्सेल ले लेती हूँ। एक्सेल में यहाँ पर अगर आप देखेंगे एकदम डिटेल में मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको क्लैरिटी होगी। ये है 871,480.04 871,480.04 और आ रहा है आपका 25,190.88। ठीक है, ये क्या है 23,991.30 829,980.80। ठीक है, और यहाँ पर IGST नहीं है, CGST SGST है, तो ये ले लेते हैं अपन 599.79 और आ रहा है 2749.62। ये तो इक्वल ही होगा। ये हमारा इनवॉइस वैल्यू है टोटल। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा इनवॉइस वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है और ये टैक्सेस है। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो है एडिट करना होगा। ठीक है, तो ये आपका टैक्सेबल वैल्यू आपको ठीक करना होगा यहाँ पर 896671। एक बार देख लेते हैं, इसमें कोई डेसिमल है तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं 896670.920। ठीक है, और IGST तो होगा नहीं, आप CGST यहाँ पर डाल सकते हैं 21,349। देख लेते एक बार 21,349.41। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, हम डिलीट करते हैं। डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली। तो ये दोनों मैंने डाल दिया है, यहाँ पर मैंने नॉट एप्लीकेबल भी कर दिया है। अब एक बार बैक जाते हैं। एक बार वापस ये डिटेल्स देखते हैं। नो होगा, यहाँ पर नो होगा। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, प्रोसीड करते हैं। अब देखते हैं ये सही आ रहा है क्या, ये बिल्कुल सही आ रहा है। अभी यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे क्वांटिटी हमने दे रखा है, क्वांटिटी नहीं आएगा। पहले एडिट करके यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करते हैं। और ये जो वैल्यू है अभी भी गलत दिखा रहा है, तो ये वैल्यू एक बार ठीक कर देते हैं हम लोग। एडिट हो चुका है ये, मैंने इस मैसेज पे क्लिक किया था। अब वापस एक एडिट कर देते हैं। इसमें आपका टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाना है। टैक्सेबल वैल्यू है 85। अगर आप यहाँ पर देखें 85 3972.1 5% है, IGST नहीं है, CGST में 21349.41 ठीक है। ठीक है, इसका एक्शन ले लेते हैं हम लोग। तो ये डेटा अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। ओके, अब एक बार बैक जाते हैं और प्रोसीड करते हैं। एक बार ये लिख लेते हैं, SEZ नहीं है, SEZ और 5 करोड़ से अबव भी नहीं है। ठीक है, प्रोसीड करते हैं यस करके। तो आप देख सकते हैं 2 इनवॉइसेस है हमारे। अब हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं फाइल, जेशन फाइल। तो हम लोग जनरेट करते हैं फाइल, और ये जो है इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको हम लोग जैन डेकोर में ही डाउनलोड कर देते हैं, जो फोल्डर था। इसको डिलीट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। तो ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। अब ओपन कर लेते हैं फोल्डर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। अब वापस से अपलोड करते हैं, कॉपी करते हैं और हम जीएसटी पोर्टल में जा रहे हैं, अपलोड करते हैं फाइल, ये वाला। अब आप देख सकते हैं कि अभी प्रोग्रेस में है। इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए अब प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि मैंने सारे एरर हटा दिए हैं और एरर रिपोर्ट नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है, क्योंकि मैंने मेरा सारा एरर्स जो है वो हट चुका है। अब बैक टू फाइल रिटर्न में अगर आप देखेंगे, जनवरी में आप जाएंगे, सर्च करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन में आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए 18 इनवॉइसेस जो मेरे टैली में के डेटा में था वही दिखा रहा है। 2 HSN वाइज समरी दिखा रहा है और एक डॉक्यूमेंट इशू का डिटेल्स है। डॉक्यूमेंट इशू का अगर आप देखना चाहते हैं तो इनवॉइस नंबर से बताता है ये कि 52 नंबर से 73 नंबर तक ये इनवॉइसेस हुए हैं और 18 टोटल इनवॉइसेस है। ठीक है, तो ये ऐसे दिखा रहा है। HSN भी अगर आप देखना चाहते हैं, मैम सही दिखा रहे हैं क्या? हाँ, सही दिखाएगा ही, देख लीजिए। सर्विस और ये जो पीसेस में हमने सेल किया है वो डिटेल्स पूरा यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आपको और चेक करना है तो आप यहाँ पर जनरेट समरी करेंगे। जनरेट समरी के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, अब प्रोसीड टू फाइल करेंगे। आप यहाँ पर देखिए आपका 10,03,972। यहाँ पर भी आपका अगर आप देखेंगे 10,03 ही आपको दिखा रहा है, 34,849 आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। और HSN में अगर आप आएंगे 10,03,972 वही दिखा रहा है। 10,03 अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 10,03,972। और अगर आप वापस से देखेंगे तो CGST 34,849, 34,849, 34,849। तो एकदम सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से PDF। ओके, डेस्कटॉप में सेव कर लीजिए PDF को। अब फाइल कर सकते हैं आप। देखिए फाइल करते वक्त जो है आपको अपना डिक्लेरेशन देना पड़ता है और उसके बाद आप अपना ऑथराइज सिग्नेटरी का डिटेल देंगे। फाइल विद DSC भी हो सकता है, EVC भी। देखिए EVC मतलब आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में OTP जाता है और DSC का मतलब आपको एक पेन ड्राइव तरीके का होता है जो आपको कंप्यूटर में इंसर्ट करना पड़ता है, जिसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर रहता है और उस बेसिस पे आपको साइन करना होता है। तो EVC आप कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने समझाने का कोशिश किया है, आपको एरर रिपोर्ट भी दिखाया है कैसे स्मूथ फाइलिंग होती है सब समझाया। प्लीज आप बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा, मुझे काफी अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। आज यहीं तक रखते हैं।